डियर चिल्ड्रन, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर इंग्लिश बुक लेसन 6 माई चाइल्डहुड. लेसन 6 जो हम पढ़ रहे हैं माई चाइल्डहुड, दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. कि हमने इसमें उनकी फैमिली के बारे में पढ़ा, किस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग करी और उन्होंने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया. नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम पेज नंबर 70 पैराग्राफ 5. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज. इन दिस पैराग्राफ द APJ अब्दुल कलाम वो इज हिमसेल्फ द राइटर ऑफ द लेसन. उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके 3 फ्रेंड्स थे. रामानंदा शास्त्री वो वॉज द सन ऑफ पाक्सी लक्ष्मण शास्त्री, हाई प्रिस्ट ऑफ टेम्पल रामेश्वरम, देन अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. तो उन्होंने बताया कि रामेश्वरम का जो प्रिस्टहुड थी वो तो रामानंदा शास्त्री ने ले ली. अरविंदन जो था वो वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. पिलग्रिम कहते हैं रिलीजियस ट्रैवलर, तीर्थयात्री जो थे उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो बिजनेस था, उनको इधर से उधर लाने ले जाने के बिजनेस में उसने अपने आप को बिजी कर लिया. और शिवा प्रकाशन जो वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवेज का. नाउ 5th पैराग्राफ. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी अवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर अवर हाउस. और जो एनुअल श्री सीताराम कल्याणम का जो सेरेमनी था उसमें APJ अब्दुल कलाम की फैमिली बोट्स अरेंज करती थी. स्पेशल प्लेटफॉर्म चबूतरा वगैरह बनाया जाता था जिसमें लॉर्ड रामा की आइडल्स मतलब स्टेचूज जो थी वो ले जाया जाती थी टेम्पल में मैरिज साइट पर. और वो टेम्पल सिचुएटेड था इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड जिसका नाम था राम तीर्थ और वो हमारे घर के नज़दीक था. इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली. और रामायण की जो स्टोरीज थी, घटनाएं, इवेंट्स थी, और जो प्रॉफेट थे, प्रॉफेट का मतलब होता है साधु संत, भविष्यवक्ता, उनकी जो लाइफ की स्टोरीज थी वो हमारे बेड टाइम की स्टोरी थी और मेरी मदर और ग्रैंड मदर उन बच्चों को, हमारी फैमिली के बच्चों को बताती थी या कहती थी. 6th पैराग्राफ. वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास. एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो हमारे एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर हमारी क्लास में आए. आई यूज़ टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम. और मैं कैप पहना करता था जिससे मैं मुस्लिम दिखता था. एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री. और मैं ऑलवेज रामानंदा शास्त्री के नेक्स्ट बगल में फ्रंट रो में बैठता था. वो वोर जो कि पहनता था, क्या पहनता था, सेक्रेट थ्रेड जो कि पवित्र धागा जिसको जनेऊ कहते हैं वो पहनता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय. और नया टीचर इस चीज को स्टमक नहीं कर सका, मतलब टॉलरेट नहीं कर सका, मतलब हजम नहीं कर सका कि एक हिंदू प्रिस्ट का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है. इन अकॉर्डेंस विथ आवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइट आई वॉज आस्ड टू गो एंड सीट इन द बैक बेंच. और जैसा कि हमारे स्कूल रैंकिंग के अकॉर्डिंग नए टीचर ने इस चीज़ को देखा तो उसने मुझे पीछे जाकर के बैक बेंच पे बैठने के लिए कहा. आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ. एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ. ही लुक्ड अटर्नली डाउनकास्ट. डाउनकास्ट मतलब सैड और डिप्रेस्ड. वो खुद बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड लगा. एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैंने अपनी सीट को लास्ट रो में शिफ्ट करी तब द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. कि जो उसकी छवि थी, इमेज का मतलब जिस तरह की उसकी जो पोस्चर थी रोते हुए कि जब मैंने लास्ट रो में शिफ्ट किया तब, इस चीज़ ने मुझ पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन, कभी ना फिनिश होने वाला इम्प्रेशन छोड़ दिया था. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल से हम घर गए तब हमने हमारे जो रेस्पेक्टिव
हमारे जो रेस्पेक्टफुली पेरेंट्स थे उनको इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, समन का मीन्स कॉल्ड। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को कॉल किया एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में टोल द टीचर, टीचर को कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। कि उसको, टीचर को कहा कि उसको, ही शुड नॉट स्प्रेड, उसको नहीं स्प्रेड फैलाना चाहिए द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का जो जहर है वो, और कम्युनल इंटॉलरेंस और सामुदायिक असहिष्णुता जो है उसका जहर हम इनोसेंट चिल्ड्रन के माइंड में नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोजाई और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने बहुत ही शार्पली, मतलब बहुत ही रूडली, ब्लंटली का मतलब हियर RUDELY, रूडली उन्होंने टीचर को कहा कि या तो वो आइदर अपोलोजाइज, या तो सॉरी फील करे, या अपोलोजाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी, माफ़ी मांगना, या वो क्विट कर दे, स्कूल को छोड़ दे और आइलैंड को भी छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट इज बिहेवियर, टीचर ने इस अपने बिहेवियर पे न केवल रिग्रेट किया, पश्चाताप किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ लक्ष्मण शास्त्री ने कन्वे किया, मतलब बताया कि उसको इस सोशल इनइक्वलिटी का और कम्युनल इंटॉलरेंस का जो जहर है वो नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह के जो बिलीफ कन्वे किया लक्ष्मण शास्त्री ने, उसने अल्टीमेटली फाइनली उस यंग टीचर को रिफॉर्म कर दिया, सुधार के रख दिया। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में वी विल फिनिश दिस लेसन।